बस हल्का सा हल्का सा हल्का। सुप्रीम कोर्ट ने आज का चार हफ्ते का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है आपको? हम तो समझते बहुत सही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी जनता के लिए अर्जेंसी है, और सुप्रीम कोर्ट इस तरह टालेगी और चार हफ्ते दे दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। औरतों ने मोर्चा संभाल के रखा है शाहीन बाग से लेकर बिहार के कई जिलों में और कुछ देश में चल रहा है मामला, आप लोग बड़ा लेट से आवाज उठा रही है, ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये कैसे आपने कहा? तो हम तो पहले आवाज उठाने वालों में हैं, और हमारी सरकार जहाँ है केरल सरकार, वो प्रथम और पहले और फर्स्ट सरकार है जिन्होंने साफ कहा नो सीए। हमारी केरल सरकार है जिन्होंने कहा कोई एनपीआर नहीं करेंगे, और अब हम ये करते हैं कि बाकी सरकार भी ऐसे। बिहार में नीतीश कुमार जी ने कहा कि एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन एनपीआर की कार्रवाई शुरू है। वो धोखा देने है, स्पष्ट रूप में मैं कहती हूँ ये जबरदस्त धोखा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 2003 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था उसमें स्पष्ट लिखा है, ये बातों की बात नहीं है, ये कानून की बात है, कि 2003 में जो रूल्स बनाए गए, जो नियमावली बनाए गए, उसमें एनपीआर और एनआरसी का साफ संबंध कानूनी रूप में स्पष्ट है। तो इसलिए ये कहना मैं एनआरसी के खिलाफ हूँ लेकिन एनपीआर लागू करेंगे, तो ये तो बड़ा धोखा है, और इसलिए हमने डिमांड की एनपीआर बंद करो, एनपीआर बिहार में नहीं होना चाहिए, और अगर जबरदस्ती करोगे हमारा ये नारा हम जवाब नहीं देंगे। गृहमंत्री कर रहे हैं, गृहमंत्री कर रहे हैं कि आप विरोध करते रहे, जिसको करना है हम वापस नहीं लेंगे सीए, उस पर क्या आप? गृहमंत्री लोग आप बताइए, जनवादी प्रणाली में अगर आपके 13 या 14 प्रदेश सरकार ये ऐलान करते हैं कि हम एनपीआर नहीं लागू करेंगे तो क्या कहेंगे? इस प्रकार की घमंड दिखाना यस ये सही नहीं है किसी भी जनवादी देश के लिए, और हम भारत के लोग हैं और भारत के लोग तय करते हैं, और भारत के लोग ने तय किया देश भर में चाहे हिंदू मुसलमान या कोई भी धर्म या जाति या कोई भी हो, पुरानी, हम पुरानी लीडर धान को बचाएंगे। आप पुरानी लीडर हैं, आपको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या महिलाएं रोड पे आई हों आजादी के बाद किसी भी प्रोग्रेस में विरोध में या आंदोलन में? इसमें जो सिग्निफिकेंट संख्या की बात नहीं, सिग्निफिकेंट ये है कि सब एक ही नारा लेकर, न धर्म की बात यहाँ नहीं है, किसी मजहब की बात नहीं है, ये देश की संविधान को बचाने के लिए महिलाएं आगे, और चाहे बुर्खा हो या बिंदी हो, जब औरतें एक को जाते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो हमें हरा सके। आगे आंदोलन किस तरह जाएगा, आंदोलन आगे किस तरह जाएगा? सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आंदोलन और भी तेज करें, और हम करेंगे। किस तरह तेज करेंगे? अभी आपको बता, अब एनपीआर नेक्स्ट स्तर है एनपीआर की, एनपीआर जब आएंगे पहले अप्रैल से 30 सितंबर, हम जवाब नहीं देंगे, हम भारत के लोग जवाब देंगे। मैम ये जानना चाहूँगा कि पूरा आवाम ये जानना चाह रही है कि पूरे देश में उथल पुथल है एनपीआर सीए को लेकर, तो आने वाला जो संसद सत्र है उसमें आपकी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? हमने तो स्पष्ट कहा, उस समय भी हमने विरोध किया, हम संसद के बाहर भी संसद के अंदर भी हमारी एक आवाज है, हमारी डोरी नीति नहीं है, तो बहुत लोगों की डोरी नीति है। संसद सत्र हंगामेदार होने की पूरी चांस है? संसद सत्र पूरा हंगामेदार होगा इस मुद्दे पे पूरा? अब ये तो मोदी जी और अमित शाह के ऊपर निर्भर है, अगर वो जनता आवाम की बात सुनेगी तो शांति होगी, अगर नहीं सुनेंगे तो आवाज उठेगी। आपको लगता है कि अपोजिशन सारा इस मसले पर एक है? अब देखिए, हम जनता के साथ एक है, और बाकी कौन क्या करेगा नहीं करेगा हम उसकी गारंटी नहीं लेते, हम अपनी गारंटी लेते हैं, और हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के साथ हैं, और किसी भी हालत में हम इस गलत चीज को नहीं होने देंगे। थैंक यू मैम।